नहीं देखिए, नंबर एक तो ये बात है कि अगर छोटा सा वर्कर भी कहीं पर इधर उधर हिलता है तो उसको फिलअप करना उसमें टाइम लगता है, नुकसान होता है। और फिर इतने बड़े ओहदू पर खा पी के कोई आदमी इस तरह से यूटर्न करे, उसको भरपाई करने में टाइम लगेगा। मगर जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि ये कुछ ऐसे अनासिर थे जो कांग्रेस में ज़रूर थे, हमको दिखाई देते थे ओहदू की वजह से और उनके कद की वजह से, मगर कभी इन्होंने कांग्रेस की भलाई के लिए कभी काम किया ही नहीं। मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की मैंने रेफरेंस दी, यहाँ मुफ्ती साहब का टाइम देख लीजिए, कार साहब का टाइम देख लीजिए, कुरैशी साहब का टाइम देख लीजिए, सोल साहब का टाइम देख लीजिए, हमेशा इन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं नुकसान में डाला। और ये जम्मू कश्मीर को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करता रहा, हमेशा दिल्ली राज करता रहा और पिकनिक के लिए कश्मीर आता था, ससुराल में कश्मीर आता था, ससुराल में आना हो तो मैं कश्मीर में हूँ। मुझे बताइए कब इन्होंने दिल खोल करके जम्मू कश्मीर की बात रखी, कब इन्होंने जम्मू कश्मीर का उत्थान किया? वो तो जब हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको लोगों ने हमको चुना था, हमने उनको दिया था, और तब भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल ही किया। जो कुछ बची खुची कांग्रेस उस वक्त थी उनके खिलाफ साजिशें करके उसको डैमेज किया। तो इसलिए अब जो वो कलर लेकर यहाँ आना चाहता है वो लोगों को समझ है, और बहुत लोग बोल रहे हैं क्योंकि अब उसमें कोई पर्दादारी नहीं है। ये जो भी कदम उन्होंने उठाया ये सिर्फ और सिर्फ आज की मरकजी सरकार और मोदी टीम को ओबलाइज करने के लिए ये कदम उठाया, उसमें जम्मू कश्मीर की कोई भलाई नहीं, ना ही उसको खुद का इंटरेस्ट है। मैं गवाह हूँ, आज वो कहेंगे कि यूटी का चीफ मिनिस्टर, उसको कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया, उसको कहा कि आप रोल ले लो, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनो, उसने कहा बहुत छोटी जगह है यूटी, मैं बहुत कदावर आदमी हूँ। आज कहाँ से उसको जम्मू कश्मीर बड़ी जगह दिख रही है? आने दो दिन, उसको वो सारे चीटे खुलेंगे। और अगर उस प्लेटफार्म पर उसको जम्मू कश्मीर बड़ा नहीं दिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख नहीं दिखा, तो आज कहाँ से जम्मू कश्मीर बड़ा दिखने लग गया? ये आने वाले दिनों में तो जरूर रहा, क्योंकि ये भी गुलाम नबी आज़ाद खेमे नहीं, जो आप देख रहे थे दो साल से ढाई साल से वो दाएं बाएं घूम रहे थे, तो उन्होंने ही उसी खेमे से चार नाम दिए। चार नाम में जब पार्टी लीडरशिप ने उसको एनालाइज किया, कोई ओल्ड एज निकला, किसी का बैकग्राउंड ही ऑर्गेनाइजेशनल नहीं था, किसी के कुछ और मामला, देख रहे थे दो साल से ढाई साल से वो दाएं बाएं घूम रहे थे, तो उन्होंने ही उसी खेमे से चार नाम दिए। चार नाम में जब पार्टी लीडरशिप ने उसको एनालाइज किया, कोई ओल्ड एज निकला, किसी का बैकग्राउंड ही ऑर्गेनाइजेशनल नहीं था, किसी के कुछ और मामला पेंडिंग थे, तो अल्टीमेटली उन्हीं के चार नामों में उन्होंने यंगेस्ट लड़का चूज किया, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव महारत भी थी, ऑर्गेनाइजेशनल समझ भी थी। तो अब अगर उन्हीं के नामों में दिया तो उन्हीं का पेट में दर्द क्यों हुआ? पेट में दर्द उन लोगों को होना चाहिए था जो सात साल से सड़कों पर लड़ मर रहे हैं, ये तो सात साल से घर से बाहर नहीं निकले। तो हो सकता है वो एक छोटा सा रीज़न है, मगर बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद की नीयत में खोट आ चुकी है। देखो, या तो ये बात वो तब कहता जब वो अंदर था, और आज जो वो कह रहा है कि वहाँ PSO सिक्योरिटी गार्ड फैसले करते हैं, इसका मतलब है गुलाम नबी आज़ाद ने सारी जीवन फिर यही किया होगा। उसने फिर सारे ओहदे जो कांग्रेस ने मिले वो सिक्योरिटी गार्डों ने दिए थे क्या? वो वहाँ के PAs ने दिए थे या लीडरशिप के फैसले थे? अब उसके टाइम पर जो फैसले हो वो लीडरशिप के हैं, आज जो फैसले आ रहे हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, और उसको खुद समझना चाहिए। 75 साल से ऊपर हो चुका है और 45 साल उसको पावर में हुई है, उसको जगह वॉलंटियरली छोड़नी चाहिए थी ताकि नए लोग, नया स्टफ देश में आगे बढ़े। कांग्रेस एक ही आदमी को लेकर चले।